माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ मैथमेटिक्स में जो आपका थर्ड चैप्टर चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल, इसमें आइए आज हम बात करते हैं किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का टू वेरिएबल में कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया हो उसके कब कब इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस होंगे, कब यूनिक सोल्यूशन होगा और कब एक भी सोल्यूशन नहीं होगा, यानी कि देयर विल बी नो सोल्यूशन। तो आइए देखते हैं, मान लीजिए कोई इक्वेशन है, आपको पता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, ए वन एक्स प्लस बी टू वाई, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, और क्या है, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू क्या, जीरो। यही ऐसे ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आपको मैंने बताया था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, चाहे वो टू वेरिएबल में हो, थ्री वेरिएबल में हो, तो वास्तव में वो एक लाइन को शो करता है। क्या होता है, एक लाइन को शो करता है, कोई भी लीनियर इक्वेशन हो एक लाइन को शो करता है। तो यहाँ पर ये लाइन का ही इक्वेशन होगा, और यदि एक ही बार में दोनों के दोनों लाइन का यदि मैं ग्राफ खींचूँ तो जाहिर सी बात हो सकता है ये पहली वाली लाइन ये हो जाए और दूसरी वाली लाइन ये हो जाए, हो सकता है किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर ले। ऐसा भी हो सकता है कि जो पहला लाइन है दूसरी लाइन पर वो लाइन होकर गुजर जाए, तो ऐसे ही हो सकता है हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर ले। मान लीजिए एक लाइन ये है और इसी पर से एक लाइन और होकर गुजर गई, तो आप देखिए दो के दोनों लाइन इसी पर रह गए, तो यहाँ पर हर एक पॉइंट आप देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं, इनफाइनाइट भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और हो सकता है ऐसा भी कि एक लाइन ऐसे चली जाए और एक लाइन ऐसे चली जाए, इस तरह से चली जाए, ऐसे भी लाइन जा सकती है। तो यहाँ पर आप देखिए यदि ग्राफ इस तरह का बनेगा तो ये लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो बताएंगे। और आपको पता है जब भी दो इक्वेशन दिया हो, दोनों इक्वेशन के दो लाइन मिलनी तय है, कोई भी दो लीनियर इक्वेशन दिया होगा दो लाइन मिलनी तय है, तो जब दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तभी सोल्यूशन आएगा। और पता चला कि इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, आगे बढ़ती जा रही लाइन, आगे पीछे चाहे इधर बढ़ाएंगे इंटरसेक्ट ना करें, तो दैट लीनियर इक्वेशंस है, दैट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है नो सोल्यूशन। तो ऐसे सिस्टम लीनियर इक्वेशन का यदि बना है तो ऐसे सिस्टम लीनियर इक्वेशंस के पास कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तो जिसका ग्राफ कैसा आए, जिसका ग्राफ यदि खींचने के बाद जो लाइन ग्राफ लीनियर ग्राफ जो आ रहा है लाइन, वो यदि इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, तो हम बताएंगे देयर इज नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। मैंने इसको एक बार बताया था आपको। अब उसके बाद क्या, यदि कई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो केवल वन सोल्यूशन। लेकिन अब हम बात करेंगे, मान लीजिए हम बिना ग्राफ के जानना चाहते हैं कैसे होगा, आइए देखते हैं। हमने इसका ग्राफ भी बताया था, लेकिन आप कंडीशन बता दे रहे हैं कब कब सोल्यूशन होगा, कब कब सोल्यूशन नहीं होगा। मान लीजिए सबसे पहला काम, जो भी लीनियर इक्वेशन आपको दिया गया हो, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यदि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया हो, तो पहले को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इस फॉर्मेट में लिख लीजिए, यानी कि इस फॉर्मेट में लिखने का मतलब है कि राइट हैंड साइड जीरो हो और लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे टर्म को रख लीजिए, एक्स एक्स वाला टर्म, वाई वाला टर्म और कॉन्स्टेंट टर्म, इस तरह से रख लीजिए। अब क्या करिए, यदि कंडीशन फर्स्ट, कौन सी कंडीशन, फॉर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, कौन सा कंडीशन है फॉर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए, क्या ए वन अपान ए टू इक्वल टू यदि हो जाए बी वन अपान बी टू इक्वल टू यदि हो जाए सी वन अपान सी टू। तो याद रखिए यदि ऐसा हो जाए तो आप तुरंत जान लीजिए यदि कोफिशियंट्स का रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तुरंत जान लेंगे इक्वेशंस है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस। देन इफ इतना हो, देन गिवेन, देन गिवेन पेयर ऑफ, देन गिवेन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। दूसरी बात,
और इसका यदि हम एक एग्जांपल दिखाना चाहें दिखा सकते हैं, जैसे मैं इसका इस समय एग्जांपल भी दिखा लेता हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए है 3x plus 2y equal to 5 और यहां पर दिया है 6x plus 4y equal to 10। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 जरा ध्यान दीजिए, पहले इसको हम इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। जब इस फॉर्मेट में लिखेंगे क्या आएगा, दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वी कैन राइट एज 3x plus 2y minus 5 equal to 0, 6x plus 4y minus 10 equal to 0। आइए देखते हैं, इवन अपॉन इक्वल करते हैं, 3 अपॉन 6 equal to 2 अपॉन 4 equal to minus 5 अपॉन minus 2। क्या ऐसा हो रहा है, चेक कर लीजिए। 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, minus 5 बन जा minus 5, minus 5 2 जा minus 10। यहाँ पर देखिए, 1 अपॉन 2 equal to 1 अपॉन 2 equal to 1 अपॉन 2, क्या हो रहा है, a1 अपॉन a2 equal to b1 अपॉन b2 equal to c1 अपॉन c2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। इसका मतलब इसके पास कितने सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो इस प्रकार से इस कंडीशन के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। सेकंड के लिए बात करते हैं, यदि क्या हो जाए, इफ ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू हो जाए बट डज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू हो जाए, देन गिवेन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, यही लिखेंगे, देन गिवेन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है नो सोल्यूशन। तो दिए हुए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कोई भी सोल्यूशन नहीं होंगे यदि ऐसा कंडीशन हो। इस तरह का एक इक्वेशन ले रहे थे, मान लीजिए है 2x minus 3y equal to 7 और यहाँ पर दिया गया है 2x minus 3y equal to 8। जरा ध्यान दीजिए, इस फॉर्मेट में जब लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनस सेवन इक्वल टू जीरो और इस फॉर्मेट में लिखेंगे क्या, माइनस एट इक्वल टू जीरो। जरा देखिए, ए वन अपॉन ए टू क्या है, टू अपॉन टू करेंगे वन अपॉन वन आएगा इक्वल टू, माइनस थ्री अपॉन माइनस थ्री करेंगे क्या है वन अपॉन वन, डज नॉट इक्वल टू माइनस सेवन अपॉन माइनस एट। ध्यान दीजिए, माइनस माइनस कैंसिल, सेवन अपॉन एट इक्वल नहीं है वन अपॉन वन, जाहिर सी बात है ए वन अपॉन एट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू डज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू के फॉर्मेट का बन रहा है। तो इस प्रकार से ये जो दिया हुआ लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का जो पेयर है, वास्तव में इसके एक भी सलूशन नहीं आएंगे। तो इस तरह से ये क्या हो गया, इस तरह से ये थर्ड कंडीशन हो गया, आज सेकंड कंडीशन हुआ। आइए थर्ड कंडीशन देखते हैं, इफ ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। अब ध्यान दीजिए, यदि ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल नहीं है तो आगे बढ़ना छोड़ देंगे हम, तब तक आगे बढ़ते हैं जब तक इक्वलिटी लगी रहती है। जब इक्वलिटी पहले ही मना हो गई, यहाँ पहले ही से मना कर दिया ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, हम आगे चेक ही नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू हुआ, लिखेंगे देन गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है यूनिक सोल्यूशन। क्या ऐसा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन, यानी कि केवल और केवल एक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन मतलब एक्स और वाई की यूनिक वैल्यूज आएंगे, उसके अलावा कोई अदर वैल्यूज नहीं आएंगे। और यूनिक सोल्यूशंस के लिए ही आप निकालते हो, लगभग एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू आती है, तो हो सकता है सेम वैल्यू आए, लेकिन यूनिक सोल्यूशन के लिए कुछ इस तरह से इसे सोचिए, एक्स माइनस वाई इक्वल टू फाइव है एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू नाइन। आप ध्यान दीजिए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू मान लीजिए क्या है, सेवन हो गया। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, आप इसको सॉल्व करिए, आप ध्यान दीजिए एक्स और वाई की केवल एक वैल्यू आएगी, एक्स की और वाई की एक वैल्यू आएगी, कौन कौन सी, इसको सॉल्व करेंगे जब एक्स इक्वल टू क्या पाएंगे, सिक्स पाएंगे और वाई को क्या पाएंगे, वन पाएंगे। सिक्स माइनस वन इक्वल टू फाइव, सिक्स प्लस वन इक्वल टू सेवन। इसके अलावा सिक्स, एक्स की वैल्यू सिक्स और वाई की वैल्यू वन के अलावा और कोई वैल्यू आप नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि यदि कोई भी
आइए आज की इस वीडियो में इतना ही बताते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको बताएंगे। मान लीजिए कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया होगा, उसमें एक कांस्टेंट के दिया गया होगा और उस कांस्टेंट की वैल्यू पूछेगा आपसे कि के की किस वैल्यू के लिए जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा उसके पास उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के यूनिक सोल्यूशन होंगे, अथवा किस वैल्यू के लिए गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के यूनिक सोल्यूशन होंगे, अथवा इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे, अथवा नो सोल्यूशन होंगे, अलग अलग वैल्यूज के लिए पूछेगा। तो उसके लिए हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, और इसके बाद आपका बस्ता क्या है, वर्ड प्रॉब्लम। तो जो भी वर्ड प्रॉब्लम है, सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स है आपके, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, हम कल बताएंगे आपको कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा और उसमें के भी इन्वॉल्व रहेगा, के की किस वैल्यू के लिए उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे, के की किस वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन होंगे, के की किस वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन होंगे, तो आप उसको चेक करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।